अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहनशाह हफ्ते कली हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 26वीं और शाही संदल का आज यह फाइनल ब्लॉग वीडियो है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत, शाही संदल और मार्केट का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो देखकर आप कभी भी हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह के 26वीं शाही संदल और बर्थडे को मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा अपने आप में ही सारे जहाँ में धूम मचाया है। जी हाँ, इसलिए तो यह कब्बाली भी सदाए गूंजते चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, और एक और है कि दुनिया में निकलता नहीं ऐसा कोई संदल, चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। ऐसे सदाए लेके जो है सारे जायरीन हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने पर पहुँचते हैं और हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं। तो उनकी दुआएं हुजूर बाबा सरकार ज़रूर पूरा करते हैं। आपको बता दें, आप कहीं से भी हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजी का शर्फ हासिल करना चाहते हैं और दुआ के लिए दरख्वास्त है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जो है रुकने के लिए जगह बनी हुई है, जहां आप 100 रुपये नजराना देकर आप रुक सकते हैं और खाने के लिए माकूल इंतज़ाम रहता है, जो लंगर खाना बना हुआ है। और देख रहे हैं हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक के मौके पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूले, जो आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा होगा वैसा मार्केट में देखने को मिला। और जो भी सामान आप लेना चाहते हैं हुजूर बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से जो मेला लगा हुआ है, वहाँ सारी चीज़ें आपको होलसेल और रिटेल प्राइस में मिल जाती है। इस तरह से देख सकते हो खूबसूरत नज़ारा हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 26वीं के दिन का, जो कि ताजा बाग की सरजमीन में एक अलग ही रौनक लिए है। आपकी इजाज़त में तारीख लिए बता दूँ, हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह के 26वीं शाही संदल और बर्थडे के दिन जो है खसूसी कब्बालियाँ और तकरीरी प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर कब्बाल और ख़तीब जो है तकरीर करते हैं। तो इस तरह से आप जहाँ से भी हैं एक बार हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर ज़ियारत का शर्फ हासिल करें, खासकर उस और बर्थडे के मौके पर। इस तरह से देख रहे हैं कैसे नूर में डूबी हुई हुजूर बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, और क्यों ना हो, जहां रहमत के फरिश्ते सारे वली हाजिरी देते हों वहां की बारगाह की तो शान ही अलग होती है। और यह वापसी का खूबसूरत मंजर जब शाही संदल सुबह निकलता है जुलूस की शक्ल में और रात में वापसी होती है, तो वह खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। और आपकी जानकारी के बता दूं, नागपुर सरजमीन में ताजाबाग में जो है हर तरह के लगभग चादरें पेश की जाती है, हर तरह से ढोल ताशे डीजे वगैरह लाए जाते हैं, जो अलग ही धुन और सब हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह की कव्वाली की धुन में शरीक रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये